नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है व्यवस्थापिका का संगठन एवं एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण एवं दोष। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके संबंध में गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि व्यवस्थापिका शासन का प्रमुख आधार है। स्ट्रॉन्ग महोदय ने कहा है कि आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है। वास्तव में व्यवस्थापिका ही उन कानूनों का निर्माण करती है जिसके अनुसार कार्यपालिका शासन करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। व्यवस्थापिका का संगठन, व्यवस्थापिका का संगठन समस्त देशों में एक सा नहीं होता। कहीं व्यवस्थापिका एक सदन वाली होती है, कहीं दो। जिस राज्य में विधानमंडल के दो सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं, और जिस विधानमंडल में एक सदन होता है उसे एक सदनात्मक या सदन वाला विधानमंडल कहते हैं। दो सदन वाले विधानमंडल में निचला सदन निम्न सदन अथवा प्रथम सदन कहलाता है और दूसरा उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन कहलाता है। निम्न सदन में सामान्यतः जनसाधारण का प्रतिनिधित्व रहता है और उच्च सदन जनता के विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। विधानमंडल की अवधि, विधानमंडल की अवधि विभिन्न देशों में अलग अलग है। उसकी अवधि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक पाई जाती है। विधानमंडल की अवधि के विषय में यह कहा जा सकता है कि यह अवधि ना तो बहुत अधिक हो और ना बहुत कम। यदि अवधि बहुत कम दिनों की होगी तो निर्वाचन जल्दी कराना पड़ेगा जिससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इसके विपरीत यदि विधानमंडल की अवधि बहुत लंबी होगी तो सभा के सदस्य मनमानी करेंगे, जनता का कोई ध्यान न रखेंगे। इसलिए विधानमंडल की अवधि सामान्यतः 4 या 5 वर्ष की होनी चाहिए। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की गुण, अगला जो टॉपिक है एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण। जिस व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थापिका के पक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण के रूप में या तर्क के रूप में जो पहला शीर्षक है एकता एवं एक रूपता की झलक। जिन देशों में व्यवस्थापिका का एक ही सदन पाया जाता है वहां विधि निर्माण प्रक्रिया में एकता तथा एक रूपता बनी रहती है। इस विषय में विद्वानों का कथन है कि कानून जनता की इच्छा है, जनता ही एक ही समय में तथा एक ही विषय पर दो विभिन्न इच्छाएं नहीं हो सकती। अतः जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यवस्थापिका सभा आवश्यक रूप से एक ही होनी चाहिए। आगे कहे गए जो विद्वानों के वक्तव्य हैं उनके अनुसार जहां कहीं भी दो सदन होंगे वहां मतभेद और विरोध अनिवार्य होगा तथा जनता की इच्छा निष्क्रियता का शिकार बन जाएगी। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है मितव्ययता। इस प्रकार की व्यवस्थापिका में धन अनावश्यक रूप से व्यय नहीं होता है।
एक ही सदन होने के कारण दूसरे सदन का व्यय बच जाता है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुणों के अंतर्गत जो अगला गुण है, कार्य में शीघ्रता। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में विधि निर्माण में अनावश्यक विलंब नहीं होता। दूसरा सदन ना होने से उसकी कार्यवाही का संपूर्ण समय बच जाता है, अतः कानून निर्माण प्रक्रिया में शीघ्रता होती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण के अंतर्गत जो अगला गुण है, जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में सदस्य सीधे जनता से निर्वाचित होकर आते हैं, अतः यह सदन जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। अगला जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की गुण के रूप में जो शीर्षक है, उत्तरदायित्व की भावना। इस प्रकार की व्यवस्थापिका में सदस्य सीधे जनता से निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए वे जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी होते हैं और उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी होती है। इस प्रकार जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में गुण पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया गया है। अब अगला जो टॉपिक है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में निम्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उनका अध्ययन आगे इन शीर्षकों के अंतर्गत हम करेंगे। पहला जो शीर्षक है, निरंकुशता की संभावना। द्वितीय सदन के अभाव में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के निरंकुश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस विषय में लेकी ने कहा है कि किसी अन्य प्रकार की या अन्य सरकार के उतनी बुरी होने की संभावना नहीं है जितनी बुरी सर्वशक्तिमान लोकतंत्री एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो सकती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोषों के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, कानून निर्माण में जल्दबाजी। इसमें कहा गया है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में नियंत्रण का अभाव होता है, साथ ही सदन में सीधे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होने से वे जनता की क्षणिक भावनाओं से प्रभावित होकर कानूनों का निर्माण शीघ्रता से कर सकते हैं। इस विषय में लेकी ने कहा है कि नियंत्रण करने, संशोधन करने तथा रुकावट डालने में जो कार्य द्वितीय सदन करता है उससे उसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोषों के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, पुनरावलोकन का अभाव। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में पुनरावलोकन का, पुनर्विचार का अवसर नहीं मिलता है। उच्च सदन विधेयकों का पुनरावलोकन करता है, अतः द्वितीय सदन के अभाव में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में त्रुटियों की गुंजाइश बनी रहती है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोषों के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, कार्यकारिणी की स्वतंत्रता का अभाव। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में कार्यकारिणी पर उसका नियंत्रण अधिक रहता है, जिसके कारण वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती है। अगला जो शीर्षक है, उत्तेजना का बाहुल्य। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोषों के अंतर्गत जो अगला दोष है, उत्तेजना का बाहुल्य। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में प्रतिनिधि सामान्यतः कम आयु के ही नव युवक होते हैं, उनमें उत्तेजना अधिक रहती है, इससे क्रांतिकारी कानूनों का निर्माण संभव रहता है। उत्तेजना में लिया गया निर्णय सदैव हितकारी नहीं होता। इस प्रकार एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के जो प्रमुख दोष थे उनका अध्ययन किया गया। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था व्यवस्थापिका, तो इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका का संगठन एवं व्यवस्थापिका में जो विधानमंडल की अवधि के विषय में चर्चा और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो प्रमुख गुण एवं जो प्रमुख दोष पाए जाते हैं उनका डिटेल से या विस्तृत अध्ययन किया गया।
जिससे हम व्यवस्थापिका के एक सदनीय व्यवस्थापिका के गुण दोषों के अध्ययन के बाद उसकी उपयोगिता समझते हैं। धन्यवाद।